आज का टॉपिक है सामवेद। सामवेद, साम शब्द का अर्थ है ज्ञान। साम का शाब्दिक अर्थ है वह गीत जिसके द्वारा परमात्मा को पाया जाता है। इसमें सूर्य देव की स्तुति के मंत्र हैं। स्तुति अर्थात महिमा का गान है। मंत्रों के द्वारा सूर्य देव की महिमा का गायन किया जाता है। यज्ञ अनुष्ठान, हवन के समय इसमें लिखे मंत्र गाए जा सकते हैं। यज्ञ अनुष्ठान यानी पूजा पाठ, आप सब परिचित होंगे, यज्ञ होता है। यज्ञ में मंत्रों के उच्चारण से रोग से मुक्ति और कामनाओं की सिद्धि होती है। किस प्रकार? जब यज्ञ करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की सामग्रियां डाली जाती हैं। जो औषधियां डाली जाती हैं वो लाभकारी होती हैं। उनका धुआं, उसका धुआं जब अग्नि के साथ, जल के धुआं श्वास के साथ हमारे शरीर में जाता है तो वो लाभदायक होता है। एक धुआँ होता है जिससे खांसी होती है, दम घुटता है। एक औषधियों का धुआं होता है जो पवित्र होता है, लाभदायक होता है। हवन की जो सामग्री होती है यज्ञ में जो डाली जाती है उसकी बात हो रही है। तो यज्ञ में मंत्रों के उच्चारण से रोग से मुक्ति और कामनाओं की सिद्धि होती है। रोग चला गया। हर व्यक्ति किसी न किसी कामना से यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। किसी को धन की चाह होती है, किसी को किसी चीज़ की। तो यह एक विधि है। भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ है सामवेद की बात हो रही है। सामवेद का देवता आदित्य और आचार्य जैमिनी है। सामवेद की शाखाएं कौथुमीय, इसमें 1875 मंत्र हैं। इस शाखा का गुजरात में प्रचलन है। दूसरी रामायणीय, इसमें 1810 मंत्र हैं। यह शाखा महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। तीसरी है जैमिनीय, इसमें 1687 मंत्र हैं। यह शाखा कर्नाटक में प्रचलित है। सामवेद के दो भाग हैं। सामवेद में कुल 1875 मंत्र हैं। सामवेद में ऋग्वेद से 1504 मंत्र लिए गए हैं। सामवेद के 104 मंत्र ही अपने हैं। सामवेद में मंत्रों के समूह की संज्ञा को आर्चिक कहते हैं। मंत्रों की समूह की संज्ञा को आर्चिक कहते हैं, ध्यान रखना। पीछे बात कही गई थी सामवेद के दो भाग हैं, कौन कौन से? पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। तो पूर्वार्चिक पढ़ेंगे हम पहले। पूर्वार्चिक में क्या है? इसमें 650 मंत्र हैं। इसमें चार कांड या पर्व, कांड किसको कहा गया है, पर्व, छह प्रपाठक या अध्याय, प्रपाठक अर्थात अध्याय पाठ, 650 मंत्र हैं। प्रत्येक प्रपाठक में दो अर्ध या खंड हैं। प्रत्येक खंड में एक दशति और प्रत्येक दशति में मंत्र हैं। जिस कांड या पर्व में जिस देवता का वर्णन है उसी देवता के नाम पर पर्व या कांड का नाम भी है। प्रथम पर्व का नाम आग्नेय पर्व है। इसमें अग्नि से संबंधित मंत्र है। इसके अंतर्गत प्रथम प्रपाठक आता है। इसमें कुल 114 मंत्र है। द्वितीय पर्व का नाम इंद्र पर्व है। इसमें इंद्र की स्तुतियां की गई हैं। इंद्र यानी वर्षा के देवता, उनकी महिमा का गान है।
इसके अंतर्गत द्वितीय से चतुर्थ प्रपाठक आता है, इसमें 352 मंत्र हैं। तृतीय पर्व का नाम पावमान पर्व है, इसमें सोम की स्तुति की गई है। इसके अंतर्गत पंचम प्रपाठक आता है, इसमें 119 मंत्र हैं। चतुर्थ पर्व का नाम अरण्य पर्व है, अरण्य वन को कहा गया, जंगल अरण्य पर्व है। इसमें अरण्य गान के ही मंत्र हैं, अरण्य यानी वनों के गान। प्राचीन काल में मनुष्य प्रकृति के करीब था, जीव जंतु ऋषि मुनि कहाँ रहते थे, वन में रहते थे आश्रम बना के। कहाँ शिक्षा देते थे, गुरुकुल में देते थे। गुरुकुल कहाँ होते थे, वनों में होते थे। आज की तरह थोड़ी था शिक्षा प्रणाली, बड़ी बड़ी इमारतें, दूर दूर तक पेड़ पौधों का कुछ अता पता नहीं, एक आधा पेड़ मिल जाए इधर उधर। तो प्रकृति के करीब थे, प्रकृति का गान अरण्य गान के ही मंत्र हैं। देखो इसके देवता इंद्र अग्नि और सोम हैं, इसमें 55 मंत्र हैं। दूसरा भाग सामवेद के दो भाग बताए हैं, पहला हम जो अभी पढ़ रहे थे पूर्वार्चिक, और ये दूसरा है उत्तरार्चिक। इसमें 1225 मंत्र हैं, इसमें कुल 9 प्रपाठक, 21 अध्याय, 400 सूक्त और 1225 मंत्र हैं। प्रथम 5 प्रपाठकों में 2-2 अध्याय हैं, अंतिम 4 प्रपाठकों में 3-3 अध्याय हैं। समझ में आ रहा है, बहुत ही सरल, इससे सरल कुछ हो नहीं सकता। कठिन शब्दों के फेर में ना पड़े, सिर्फ समझे पढ़े कि किस में क्या कहा गया है बस। सामवेद के वार्त में ब्राह्मण प्रौढ़ षड्विंश साम विधान आर्षेय देवता अध्याय उपनिषद संहितोपनिषद वंश जैमिनीय ये भाग है। आगे आगे इनका विस्तृत वर्णन है, आप पढ़ना चाहोगे तो YouTube पे बहुत वीडियो मिल जाएंगी, बहुत ही सरल आसानी से समझ में आ जाए। आर्णेक तलवलकार और छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, केनोपनिषद, सामगान के प्रकार। स्थान की दृष्टि से सामगान 4 प्रकार के हैं। ग्रामगान, यह गांव या सार्वजनिक स्थानों पर गाया जाता था। अरण्य गान, वन और पवित्र स्थानों पर गाया जाता था। पहले बताया ना अरण्य यानी वन। उह गान, उह का अर्थ है विचार पूर्वक विन्यास, यह सोम याग धार्मिक स्थानों पर गाया जाता था। आगे है उह गाय, उह का अर्थ है रहस्य, रहस्यात्मक होने के कारण इसे वन और पवित्र स्थानों पर गाया जाता था। साम विकार, मंत्र को गान का रूप देने के लिए उसमें कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, उन्हीं परिवर्तनों को साम विकार कहते हैं। सरल है ना, धीरे धीरे समझ में आएगा, और एक बार पढ़ने से तो मुश्किल ही लगता है, बार बार समझोगे तो समझ में आएगा। ये कुल 6 हैं, जैसे आपने कला के 6 अंग पढ़े हैं, रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति कला षडंगम। श्लोक में कितने सुंदर तरीके से बांधा गया 6 भागों को, रूप भेद, 2 रूपों में अंतर करने वाला रूप भेद, प्रमाण नाप तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, आकृति की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है ना, लावण्य सौंदर्य, चित्र बनाने का अर्थ क्या है, किसी सुंदर आकृति को सुंदर रूप देना, अपने
फूल बना दिया तो उसको आकर्षक रूप देना, लावण्य, चाहे वो फूल पत्ती पेड़ पौधों का आकर्षण हो, पशु पक्षी का हो, वन का आकर्षण हो, चित्र को आकर्षित बनाना लावण्य सौंदर्य से संबंधित है। ये वाला पहला रूप भेद प्रमाण लावण्य भाव। हर चित्र में कोई ना कोई भाव होता है, भाव को लेके ही चित्र बनाते हैं। चाहे प्राकृतिक दृश्य हो तो उसमें प्रकृति का सौंदर्य भाव होगा, व्यक्ति का चित्र हो तो उसका व्यक्तिगत चेहरे के भाव होंगे, तो भाव भी अनिवार्य अंग है कला का। रूप भेद प्रमाण लावण्य भाव। सादृश्य, सादृश्य कोई भी वस्तु समान दिखने पर उसका भ्रम होता है, जैसे रस्सी का भ्रम होता है सांप का, रस्सी में सांप दिखाई देता है लेकिन वो सांप को नहीं है, ऐसे भ्रम पैदा करना। जैसे चित्र में कैसे भ्रम पैदा करेंगे, जैसे हम क्षितिज का बनाते हैं, कोई प्रकृति चित्र बनाते हैं, धरती और आकाश दूर मिलते हुए दिखाते हैं, लेकिन क्या मिलते हैं वास्तव में, वहाँ जाके देखो तुम, आसमान अलग धरती अलग। ऐसे ही रेल की पटरी है, जब आप दृश्य बनाओगे रेल की पटरी का तो दूर आप जहाँ से शुरू कर रहे हो वहाँ तो दोनों पटरियाँ अलग हैं लेकिन दूर मिलती हुई हैं, लेकिन क्या वो मिलती हैं, वहाँ जाके देखोगे दोनों पटरियाँ अलग हैं। ऐसे ही आप सड़क का दृश्य बनाओगे, सड़क के दोनों ओर वृक्ष बनाओगे तो पास वाली जो सड़क है इतनी दूर होगी, उसमें दूरी होगी, एक पेड़ और दूसरे पेड़ में दूरी होगी, लेकिन जब सड़क दूर तक आप रास्ता दिखाओगे तो दूर कहीं जाके वो बिंदु, दो बिंदु आपके पास जो दो बिंदु है वहाँ दूर जाके मिलते हुए, ये भ्रम है, दूरदृष्टि भ्रम। तो ये इसमें आ गया सादृश्य, मतलब दृश्य ऐसा बनाया कि उसमें भ्रम पैदा होता है। सादृश्य रूप भेद, दूसरा प्रमाण लावण्य भाव, सादृश्य वर्णिका भंग। वर्णिका भंग यानी रंग योजना, बिना रंग के चित्र सुंदर नहीं होता। रेखांकन आपका चाहे कितना ही सुंदर हो लेकिन अगर आप उसमें रंग भर देते हो तो रंग भरने से उसका सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। इस प्रकार जिस प्रकार ये कला के 6 अंग अनिवार्य हैं चित्र में, वैसे ही हम पढ़ रहे हैं साम विकार के 6 अंग। नंबर 1 विकार, जहाँ शब्द के उच्चारण में परिवर्तन कर दिया जाता है, जैसे अग्नि के स्थान पर ओगनाई, इसको कहते हैं शब्द के उच्चारण में परिवर्तन कर दिया तो उसे विकार बोलते हैं। दूसरा विश्लेषण, जहाँ एक ही शब्द को पृथक पृथक करके बोला जाता है, अलग अलग करके, टुकड़े करके, जैसे वित्तय के स्थान पर वोई तोयाई, विकर्ष। तीसरा है जहाँ एक स्वर का लंबे समय के लिए उच्चारण किया जाता है, जैसे आयाही के स्थान पर आयाही। चौथा है अभ्यास, जहाँ किसी पद का बार बार उच्चारण किया जाता है, जैसे तोयाही को दो बार बोला जाता है। पांचवा है विराम, जहाँ सुविधा के लिए बीच में रुका जाता है, जैसे हव्यदाते में द पर रुका जाता है, हव्यदाते। छठा है स्तोप, जहाँ कुछ अतिरिक्त पदों को जोड़ दिया जाता है, जैसे हो, ओ होवा, हाउआ, हाउ, राई आदि। सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद है। सामवेद में 7 स्वर म, ग, री, श, नी, धे, प। म मध्यम, ग गांधार, री ऋषभ, ष षड, नी निषाद, ध
धेवत प पंचम, तो ये हो गए 7 स्वर। 3 ग्राम, 3 ग्राम मंद, मध्य और तीव्र उच्चारण की दृष्टि से है। गायन जब भी करते हैं एक मंद गति, एक मध्य गति और एक तीव्र होती है। उच्चारण जब करते हैं तीव्र, तो ये 3 गतियां बताई गई है। 3 ग्राम मंद, मध्य और तीव्र। सामवेद में 21 मूर्छनाएं 7 स्वर गुणा में 3 ग्राम। 7 स्वर जो ऊपर बताए गए थे, 3 ग्राम यानी गायन की विधि मंद मध्य तीव्र मिलकर 21 मूर्छनाएं बनती हैं। इसमें 49 ताने जैसे रंगों में होती है, हल्का और हल्का और हल्का, जैसे गहरी डार्क शेड जिसे गहरी तान बोलते हैं और गहरी और उससे गहरी, दो रंगों को मिला के बनाते हैं, वैसे ही ये संगीत के दृष्टि से बता रहे हैं। ताने 7 स्वर गुणा में 7 स्वर मिलकर, जैसे दो रंगों को मिला के गहरी ताने बनती है, हल्की ताने बनती है, ऐसे दो स्वरों को मिले 7 स्वर, कोई भी दो स्वर, स को प से, प को स से, इस प्रकार 7 स्वर गुणा में 7 स्वर मिलकर 49 ताने बन गई। ठीक, सामवेद में सर्वाधिक गायत्री प्रगाध छंदों का प्रयोग हुआ है। वैदिक काल के बहुत से वाद्य यंत्रों जैसे वीणा जो सरस्वती बजाती है, आपने देखा होगा चित्र में, दुदुम्बी, नगाड़े या ढोलक, जैसे नगाड़े नहीं पीटते थे पुराने जमाने प्राचीन काल में, ढम ढम ढम, दुदुम्बी ये वो है। नादी, डमरू नहीं होता भगवान का, शिव का डमरू, उस तरह का वाद्य यंत्र। तुरभी, तुरब एक बैंड बाजे वाले नहीं बजाते वो, तुरब। बंकुरा का वर्णन भी इसमें मिलता है। पीपी टाई, तो शहनाई बिल्कुल स्ट्रेट होती है शहनाई, और बंकुरा क्या होती है उसको एस शेप में, एस की आकार में मोड़ दो, इस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। आप बैंड बाजे वाले देखे होंगे, एस शेप में होता है बहुत बड़ा, आगे से इतना खुला हुआ। बंकुरा और तुरब, ये दोनों प्राचीन, ये सारे ही वाद्य यंत्र हैं, आज भी हैं, प्रयोग होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है।